नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट एमसीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आप सब देख रहे हैं सिलसिला बाजारों का। आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है। देखेंगे कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है और उस पर रूपा जी की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कैसे सीड से। देख रहे हैं कि कैसे सीड का अक्टूबर वायदा 6210 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही छोटी सी गिरावट है, 4 रुपये की मामूली सी करेक्शन देखने को मिल रही है। क्लोजिंग देने में अच्छी खासी क्लोजिंग देता हुआ नजर आया था कैसे सीड का वायदा बाजार इस बार। रूपा जी देख रहे हैं कि कैसे सीड 6200 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और क्लोजिंग भी अच्छी खासी देने में कामयाब हुआ है। तो रूपा जी, अब आपको क्या लगता है, क्या एक बार फिर से कैसे सीड के अंदर यहाँ से 6500 के लेवल देखने को मिल पाएंगे? देखिए, बिल्कुल 6500 के स्तर संभव है और अखिलेश एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हो सकता है अपने को इस हफ्ते ही ये वाले लेवल्स देखने को मिले, क्योंकि लगातार तेजी में ही है बाजार को। बहुत ज्यादा अभी फिलहाल गिरावट बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर खरीदारी की तरफ रहना चाहिए। और आज भी बाजारों के अंदर तेजी का ही रुझान है और एक बार फिर से अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि इस वीक में 6500 तक पहुंच सकता है। जी ये सर, रूपा जी बात करें अगर चने की, तो चने में भी हमने देखा था कि जो क्लोजिंग थी वो भी 5250 के आसपास ही होती हुई नजर आई है। तो अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से चने के अंदर एक रेंज बाउंड देखने को मिला है काफी समय से, तो क्या यह कारोबारी सप्ताह भी चने के लिए एक सीमित दायरे वाली साबित हो सकता है? देखिए, चने में अभी थोड़ा सा बाजार जो है वो सुस्त रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अपसाइड मोमेंटम की तरफ रह सकता है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखें, आने वाले दिनों में चने के अंदर एक तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी ये सर, रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो देख रहे हैं कि जैसा आपने बताया था वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। बिनौला खल का दिसंबर वायदा 2500 के ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है, 2.25% की तेजी है और 2588 का ही लग चुका है। रूपा जी, अब आपको क्या लगता है, क्या इस कारोबारी सप्ताह में बिनौला खल के अंदर 2700 तक के भी लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए, फिलहाल बिनौला खल में तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और बिनौला खल के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम इन स्तरों पर देखने को मिल सकता है और इसमें शॉर्ट टर्म में इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए क्या? जी, तो यानी कि बिनौला खल में तेजी देखने को मिल सकती है। रूपा जी के अनुसार बिनौला खल में शॉर्ट टर्म में खरीदारी करके चला जा सकता है। ये सर, रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि कुछ खरीदारी लौटी है, तो अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से मसालों में निचले स्तर से खरीदारी लौट के नजर आई है, तो क्या ये खरीदारी पूरे हफ्ता जारी रह सकती है? देखिए, मसालों के अंदर अभी तेजी का ही रुझान है और अभी फेस्टिवल सीजन के चलते अपसाइड मोमेंटम बन सकता है और एक तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सरसों का अक्टूबर वायदा 8501 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, तो सरसों के अंदर हमने जो क्लोजिंग आती भी देखी है वो 8500 के आसपास की आती भी देखी है पिछले कारोबारी सप्ताह। और अभी की बात करें तो अभी भी जानकार लगातार ये बता रहे हैं कि सरसों के अंदर जो तेजी है वो जारी रह सकती है। 8500 का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल है, एक अहम सपोर्ट लेवल है सरसों के अंदर मसल सीड के अक्टूबर वायदे में 8500 का। इसके ऊपर एक बार फिर से खरीदारी देखने को मिलेगी जो कीमतों को 8650 से 8700 तक एक बार फिर से लेकर जाएगी। तो सरसों में शॉर्ट टर्म में उस लेवल के लिए तेज खरीदारी में रहा जा सकता है। बात करें यहाँ से अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हमने 5900 के करीब की क्लोजिंग आती हुई देखी है और सोयाबीन में ऐसा लग रहा है कि अब 6000 के ऊपर के लेवल्स एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं, निचले स्तर पर खरीदारी बनके निकल के सामने आ सकती है। जान लेते हैं रूपा जी से खाद्य तेलों का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है। रूपा जी, आपको क्या लगता है, इस कारोबारी सप्ताह में खाद्य तेलों का बाजार कैसा देखने को मिल पाएगा? देखिए, खाद्य तेलों की अगर बात करें तो खाद्य तेलों में इस सप्ताह मुझे लगता है कि थोड़ा सा बाउंस बैक आ सकता है, एक तेजी की तरफ बाजार जाते हुए दिखाई दे सकते हैं और फिलहाल के लिए सरसों के अंदर एक तेजी बन सकती है, तो यहाँ पर खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए और निचले स्तरों पर बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए। जो भी करेक्शन आती है उस करेक्शन के अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, जानना चाहेंगे वो कौन सी कृषि फसलें होंगी जो इस कारोबारी सप्ताह अच्छा मुनाफा कमाती हुई नजर आ सकती है? देखिए, अगर इस वीक की बात करें तो इस वीक में मुझे लगता है कि एक बार कैस्टर सीड्स के अंदर तेजी का रुझान बन सकता है, उसके अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है और उसी के साथ साथ सरसों के अंदर एक तेजी का रुझान बन सकता है, सरसों को भी बाई करके चला जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि कैसे सीड के अंदर काफ़ी अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है, इस कारोबारी सप्ताह खरीदारी करके चला जा सकता है और इसके साथ साथ सरसों के अंदर यानी मसल के अंदर भी खरीदारी में रहा जा सकता है। ये दोनों कम्युनिटीज ऐसी हैं जो आपको इस पूरे कारोबारी सप्ताह अच्छा मुनाफा कमवाती हुई नजर आ सकती है रूपा जी के अनुसार। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट। फिलहाल सिलसिला बाजार को मैं बस इतना ही, नमस्कार।